बहुत शुक्रिया सुहेल अवान। मौसम बदला तो कसूर के शहरियों ने मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया। बता रहे हैं नुमाइंदा हम न्यूज सलीम बलोच। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम ने अंगड़ाई ली और हवा में हल्की सी खुनकी हुई तो कसूर के शहरियों ने अपने खाने के अंदाज बदल लिए। इससे पहले बारबेक्यू को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो फिश जिसको रोहू मछली कहा जा रहा है, कसूर की पहचान है, वो लोगों ने बहुत ज्यादा उसका हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। रोहू मछली के हवाले से मैं ये बताऊँ कि ये प्योर सरसों के ऑयल में पकाई जाती है। दो तरह की बनाई जा रही है, एक तो तवे वाली बनाई जा रही है, दूसरी कढ़ाई वाली। दोनों ही अपने जायके और इंफ्रादियत की वजह से लोगों में बेहद पसंद है। और सबसे जो खूबसूरत उम्दा बात यह है कि ये खाने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये बिल्कुल एसिडिटी और तजाबीत वगैरह बिल्कुल नहीं करती। और ना सिर्फ कसूर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से लोग ये कसूरी मछली खाने के लिए आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सलीम बलोच।